नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यामा FGX का ओडोमीटर। तो आज हम बात करेंगे यामा FGX के ओडोमीटर पर। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं यामा FGX के ओडोमीटर के बारे में। दोस्तों, यामा FGX में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ओडोमीटर भी इसका डिजिटल ही है। तो ओडोमीटर आपको यह जानकारी देता है कि आपने अब तक अपनी बाइक को कितने किलोमीटर रन कर चुके हैं, यानी कि अभी तक आपकी बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, ओडोमीटर से और कोई सूचना आपको नहीं मिलती है। तो दोस्तों, मैंने इसका इग्निशन स्विच ऑन कर दिया है, तो देखिए दोस्तों, सामने ODO शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है ओडोमीटर। तो दोस्तों, अभी तक जो मेरी बाइक है वो 997 किलोमीटर चल चुकी है। तो दोस्तों, FGX का जो ओडोमीटर है वो आपको मैक्सिमम 999,999 किलोमीटर तक की ही रीडिंग दे सकता है। तो दोस्तों, FGX का ओडोमीटर 999,999 किलोमीटर चलने के बाद में लॉक हो जाता है। इसके बाद यह आपको ड्राइव किए हुए किलोमीटर नहीं बताएगा। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, तब तक आपकी बाइक वैसे भी भगवान को प्यारी हो जाएगी, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक विशेष बात मैं ओडोमीटर के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि इसका जो ओडोमीटर है उसको रीसेट नहीं किया जा सकता, यानी कि आप इसके ओडोमीटर को रीसेट नहीं कर सकते। यानी कि जितनी किलोमीटर की दूरी आपकी बाइक ने तय की है उसे आप रीसेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ओडोमीटर में और कुछ विशेष नहीं है, यह सिर्फ आपको तय किए हुए किलोमीटर ही बताता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के साथ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।